अभी देखो कितने बजे, 9:45 हुए हैं और 9:45 बजे तक ये देखो दोनों, हाय हाय क्या मस्त सोए हैं। एक तो 7-8 बजे उठा भी था, उसको वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम जाके आया और आके लुढ़क गया। ये तो भाई साहब, मतलब इसको तो किसी की टेंशन नहीं है, किसी की भी नहीं, लिटरली होगी भी क्यों, क्यों उठे। मजे से सो रहा है रुद्र। मेरे आलसी रुद्र, तुम्हारा बड़ा खिलौना आ गया। वो देखो कैसे उड़ गया। अरे अरे अरे, ओ बाबूड़ा बाबूड़ा अचुंदे काळे अच्छे। अरे बाप रे, मेरे बाप, मेरे बाप रे, जिज डाला। एक को उठाया, दोनों उड़ जाते। कैसे है तुम्हारे बच्चे? आलसी बच्चे, आलसी बच्चे। इतना बुरा, थैंक्स, लव यू। मजे से सोने का, ओके। ये इतना सा अभी जस्ट अभी 5 मंथ का होने वाला है, फिर भी देखो तो मजा मार रहा है सोने में। बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो ना प्लीज। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। उसको गॉगल समझने की मतलब गलती मत करना, ये गॉगल बिल्कुल भी नहीं है, ये धूप से बचने के लिए मैंने बनाया है नंबर का चश्मा, यू नो नंबर का चश्मा। वैसे भी अगर ये निकाल दिया जाए ना, मुझे दिखेगा नहीं। पता है बर्फ पड़ने वाली। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे प्लॉट पर, जहाँ पर काम चल रहा है घर का। कैसा काम चल रहा है आइए देखते हैं। अभी यहाँ से मुझे जाने के लिए ऑलमोस्ट 5-10 मिनट लगेंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो जाते हैं और आपको दिखाते हैं अपना प्लॉट। तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वो जो घर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है अपना आने वाला फ्यूचर। ओके, तो ये पहली बार है जो किसी को मैं अपना आने वाला घर जो है, मतलब बनने वाला घर जो 5-6 महीने बाद ये पूरा का पूरा बन जाएगा, लेकिन इसका ग्लिम्प्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये जो ग्लिम्प्स है, यहाँ से रोड है और इधर अभी इसका काम चल रहा है। अभी इसके ऊपर ये 2 फ्लोर है, नीचे पार्किंग एरिया है और अपना ऑफिस होगा, अपना स्टूडियो होगा जहाँ पर मैं बैठकर काम करूँगा, पार्किंग प्लस ऑफिस। मैं बताता हूँ आपको सारा डिटेल अंदर से। इसके ऊपर 1, 2 और 3 फ्लोर और है जो बनेगा और आई थिंक इसको और 5 महीने लग जाएंगे। पिछले फरवरी से ये काम चल रहा है, अभी तो पकड़ लो हिसाब से। अभी आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या होने वाला है, कैसा अपना स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, कम हियर। तो ये है अपना पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस। वहां पर अपना गेट होगा और वहां से सीधा अपनी सफारी अंदर आएगी, ऐसे लगेगी इधर। और इधर लगने के बाद ग्राउंड फ्लोर जो है, यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर मेरा ऑफिस रहेगा, ऑफिस, एक सिटिंग एरिया और यहाँ पर होगा एक एडिटर रूम। एडिटर रूम के बाजू में ये जो एरिया है, यहाँ पर जो एक रूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने एक रूम का सोचा है, पहले स्टोर रूम का सोचा था, लेकिन अभी जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक अलग सलग रूम बना के किसी को रहने के लिए जगह दिया जाए, मतलब मे बी वो गार्ड रहेगा, चौकीदार जिसको हम कहते हैं, या उसकी फैमिली। ऊपर उधर से जाने के लिए सीढ़ियाँ है और ये है लिफ्ट का एरिया। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से शुरू होती है, आ जाइए। ये अपना मेन एंट्रेंस रहेगा, मेन एंट्रेंस के बाद यहाँ पर जाने के बाद इधर लिफ्ट एरिया रहेगा। अभी तो यहाँ पे डक्ट है, पानी पूरा भरा हुआ है, यहाँ से ऊपर तक पूरी लिफ्ट जाएंगी ऊपर तक। और ये सीढ़ियाँ, मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ा के दिखा देता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पर एग्जैक्टली क्या होगा। लेट्स गो, ये हम चले गए। अभी यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम चल रहा है, वो मैं तो यहीं पे थक गया। यहाँ पे खिड़की होगी, यहाँ पे प्रॉपर ऐसा एक चप्पल जूते रखने के लिए स्टैंड रहेगा। ये लिफ्ट एरिया है, यहाँ पे अगेन मेन डोर रहेगा अपना। मेन डोर रहने के बाद, अंदर घुसने के बाद इधर रहेगा अपना हॉल, जिसमें अटैच्ड बालकनी है और अटैच्ड वो जो है वो किचन है। तो यहाँ पे रहेगा अपना किचन, डाइनिंग एरिया, ओके। वहाँ पे रहेगी ऊपर जाने के लिए, मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए यहाँ पे रहेगी एक प्रॉपर सीढ़ी। और इसके बाद इधर अगर हम जाते हैं तो यहाँ एक रहेगा रूम जो मैंने मम्मी पापा के लिए स्पेशली बनवाया है। यहाँ पर रहेगा यूटिलिटी एरिया। अब यूटिलिटी एरिया में क्या है ना कि वहाँ मैंने एक डोर रखा है। डोर किस लिए, मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पे एक डोर रहेगा जो क्लोज रहेगा, ये सारी दीवार उड़ जाएगी। इधर ग्रिल रहेगा, ये कॉमन वॉशरूम है, मतलब अगर कोई मेहमान आते हैं इधर हॉल में तो डायरेक्ट यहाँ पे वॉशरूम में जा सकते हैं। एक आपको चीज दिखाता हूँ, इधर वो भाई साहब वो जो दिख रहा है प्लेटफॉर्म,
उस प्लेटफॉर्म से यहाँ तक एक सीढ़ी आएगी और ये हमारा सेकंड डोर रहेगा, मतलब इमरजेंसी एग्जिट जिसको हम कहते हैं ना। अगर हम घर पे नहीं रहे और यहाँ पे बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह रखे हैं और बाई वगैरह आती है तो ये डोर क्लोज रहेगा यहाँ का, और यहाँ से वो आके डायरेक्ट ये डोर खोल के यहाँ पे कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह करके यहाँ से वापस चली जाएगी। ओके, ओह माय गॉड। तो ये एरिया हो गया। अब इसके बाद आता है अपना सेकंड फ्लोर। अब सेकंड फ्लोर में बहुत तामझाम होगा क्योंकि ऊपर का स्लैब बना था। तो अपन यहाँ से बचते बचाते निकलेंगे ऊपर। ओह माय गॉड, देखो मैं घुस पाऊंगा कि नहीं। अरे बाप रे, वो देखो ये एरिया। ओहो, ये बेसिकली मैंने पार्टी हॉल टाइप बनाया है, मतलब बैठ के लोग गेट टुगेदर कर सके। वहाँ पे अगेन एक बालकनी है जो थोड़ा एक्सटेंड होके पीछे आएगी और यहाँ पे बड़ा सा बालकनी एरिया होगा। वहाँ जो रूम है वो रूम होगी मेरी, ओके। और इसके अपोजिट में वहाँ जो रूम है वो बच्चों की रूम है, उससे अटैच फिर वॉशरूम वगैरह होगा। अगेन लिफ्ट एरिया। हाँ मैं थक गया। और फिर ऊपर जाते हैं और ये आ गए हम थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे अभी अभी स्लैब का काम हुआ है। इसके ऊपर एक और स्लैब आने वाला है और यहाँ पे हो गए 2 1BHK किराए के पर्पज से। दिखा देते ऊपर से नजारा कैसे दिखता है। माँ मैं थक गया। अच्छा है लिफ्ट लगाइए भाई। और ये आजू बाजू का एरिया देख लो, आजू बाजू के एरिया में भी घर बन रहे हैं। ये अलग 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 घर है, एक घर नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे घर है और भी बन रहे हैं, धीरे धीरे बनेंगे और आने वाले 4-5 साल में आई थिंक ये पूरा का पूरा एरिया भर जाएगा। ये देखो कैसे दिख रहा है आजू बाजू का एरिया। तो हाँ ऐसा है, अपना घर बनने वाला है और पूरा बनने के बाद मैं तो दिखाऊंगा ही आपको, एक होम टूर प्रॉपर होगा पूरा इंटीरियर हो जाने के बाद। अभी तो ये बस एक ग्लिम्स है कि लाइफ में चल क्या रहा है साला, है ना। और वैसे भी अपन ने व्लॉगिंग तो स्टार्ट कर ही दी है तो व्लॉगिंग में हर दिन कुछ ना कुछ कॉन्टेंट तो मिलना ही चाहिए, तो ये कॉन्टेंट है मेरे लिए। और एक्चुअली प्राउड की भी बात है कि अपन अपने पैसों से अपना घर बना रहे हैं, है ना। अभी अभी गाड़ी भी ली है सफारी, योगी बोलता है जिंदाबाद। तो ये सब है, छोटा सा व्लॉग एक घर का ग्लिम्स दिखाने के लिए था। बाकी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मैं पहले कैसे रहता था, कहाँ रहता था, कितने घर चेंज कर चुका हूँ, मेरा गांव का घर कैसा है और उसके भी अंदर मतलब हम जो फैमिली है एक साथ कैसे रहते हैं या रहते थे, वो भी बताऊंगा आपको आने वाले अगले वीडियोस में। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, बहुत सारा काम है, बहुत सारी मूवीज या सीरीज देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। A little longer than a few minutes later. अभी मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह लेने आया था और आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्लॉग किया था, मेरा घर दिखाया था। सब्जी लेने आया हूँ और यहाँ पे कुछ एक मेरे छोटे मोटे मतलब उम्र में फैंस मिल गए जो अभी यहाँ से हल्दीराम जा रहे हैं, तो दे आस्क मी मतलब रुका मैं थोड़ी देर उनके लिए। एंड क्या चाहिए आपको, फोटो? हाँ फिर तो ले लेते हैं एक फोटो आप दोनों भाई, मैं इसको भी कैप्चर करूंगा। एक्चुअली अपन एक व्लॉगिंग चैनल ओपन कर पाए। हाँ सर, हाँ उसके लिए ये भी चल रहा है धीरे धीरे। और क्या नाम है आपका? जयेश। जयेश सर कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे बाप रे, इसको ये भी पता है कि मैंने सफारी ले ली है। आपको और भी कुछ बातें पता चल जाए कुछ भी तो मैं ठीक है। व्लॉगिंग चैनल आ रहा है अपना, उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ठीक है। थैंक यू सो मच आप उसके दोस्तों। हाँ हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। ओके बाय एवरीवन। बाय बाय। Ha 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 ha!